हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप नए हो इस चैनल में तो अभी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि इस चैनल का कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ADS एक्सचेंज का जो न्यू अपडेट है, सबको KYC फिर से करना पड़ेगा। कंपनी ने KYC सबका रीसेट कर दिया है। तो KYC कैसे करेंगे, कैसे क्या करना है, पूरे लाइव इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, चलिए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले अपना ADS का ID को ओपन करेंगे। तो जैसे आप ID को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसी तरह इंटरफेस आप लोग को आएगा। कोई ID पासवर्ड फिल नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अपडेट योर KYC, योर ID विल वेरीफाई बाई गवर्नमेंट सपोर्टेड API, देन यू कैन यूज फंक्शन ऑफ दिस ऐप। आपका जो KYC पहले जो हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन अभी अगर आप चेंज करना चाहते हो, अगर आपका पहले कोई निक नेम दिया हुआ है कुछ भी, तो आप लोग अभी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ID का जो KYC, यहाँ पे सब कुछ पहले जो दिया हुआ है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करूँगा। अभी जो मैं यहाँ पे फिल करूँगा, फिल करने के बाद वो गवर्नमेंट मेरा, जैसे कि भारत सरकार मेरा वो KYC को वेरीफाई करेगा। उसके बाद मैं इस एप्लीकेशन को, जैसे कि ADS एक्सचेंज को यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरा फुल नेम, जैसे कि मेरा ID का नाम, मेरा फादर्स नेम है, यहाँ पे एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिटी है, स्टेट है, कंट्री इंडिया है, और मेरा पिन कोड वे भी सही है, मेरा ईमेल ID वो भी सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो मेरा फ़ोन नंबर है वो भी सही है। यहाँ पे मैं आधार कार्ड नंबर जो है वो मैं डाल दूँगा अभी, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ अभी, तो मैं आधार कार्ड का नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ कोई गलती हुआ है कि नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड को डाल रहा हूँ, पैन नंबर को। उसके बाद देखिए, GST नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन है, इसको अगर आपके पास GST नंबर है, अगर आपको बिल चाहिए GST का, तो आप यहाँ पे अपना GST नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर जो है वो भी चेक कर लीजिए। मेरा अकाउंट नंबर बिल्कुल सही है, IFSC कोड भी सही है, अकाउंट होल्डर नेम वो भी सही है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड को डालना है, तो इसको मैं डाल देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा सीक्रेटली करना पड़ता है, तो मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद कैप्चा फिल करना है। उसके बाद मैं अपडेट में क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आर यू श्योर टू अपडेट दिस डिटेल्स इन योर KYC, आफ्टर वेरिफिकेशन यू विल नेवर अपडेट योर डिटेल्स। अगर आप श्योर, अगर आपका सारी डिटेल सही है, तो आप ओके कीजिए, नहीं तो आप फिर से एडिट कीजिए। यहाँ पे कंपनी ये बता रहा है कि एक बार अगर वेरिफिकेशन हो गया तो आप लोग दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं ओके कर दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बैंकिंग डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुल, यहाँ पे मैं ओके में क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पे आ गया। फिर से यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। फिर से मैं अपडेट में क्लिक कर रहा हूँ। तो बैंक डिटेल्स ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसी तरह रहने दीजिए। बाकी आप लोग का अगर प्रोफाइल कुछ बाकी रह गया है, तो प्रोफाइल भी आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, आज का वीडियो कैसा लगा है, उम्मीद करता हूँ अगर अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने टीम में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।